हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग सोशल साइंस क्लास 10 सैम्पल पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 31 तक पहुँच चुके हैं, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। टर्शरी सेक्टर इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो बच्चों, थोड़ा ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन कर दूँ। इकोनॉमी में 3 प्रकार के सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर होता है जिसमें वो एक्टिविटी आते हैं जिसमें ज़्यादा ज़्यादा वैल्यूएबल चीज़ें शामिल नहीं होती, जैसे कि माइनिंग हुआ, एग्रीकल्चर हुआ, जो एकदम प्राइमरी, जिसमें नया चीज़ बनता ही नहीं है, कोई उसमें वैल्यू एडिशन होता ही नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर में वही चीज़ें आती हैं जो प्राइमरी से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि ट्रेडिंग है। मान लो कोई दुकान वाला दुकान चला रहा है तो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। और क्या बोलते हैं, जो टर्शरी सेक्टर होता है ना, उसमें सर्विस सेक्टर आते हैं बेसिकली, जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, जिसमें केवल जैसे कोई आदमी डॉक्टरी का काम कर रहा है या जैसे मैं आपको यूट्यूब में पढ़ा रहा हूँ, तो ये सब टर्शरी सेक्टर में आता है ना। तो ये क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि टर्शरी सेक्टर इज प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो टर्शरी सेक्टर है या तृतीयक जो क्षेत्र है, उसका जो एक रोल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको इस स्टेटमेंट को जस्टिफाई करना है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला इंट्रोडक्शन है, द टर्शरी सेक्टर हैज कंट्रीब्यूटेड वास्टली टू द इंडियन इकोनॉमी। ये टर्शरी सेक्टर ने इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, स्पेशली इन द लास्ट 2 डेकेड्स, पिछले 2 दशकों में। मुख्य तौर पे इन द लास्ट डेकेड द फील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज ग्रोन। आपको मालूम होगा पिछले डेकेड में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसने काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया है। इंडिया जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में दुनिया में बेताज बादशाह है। हमारे यहाँ TCS है, इंफोसिस है ना, ये सारी जो कंपनियां हैं पूरी दुनिया को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सर्विसेज देती हैं। एंड कॉन्सिक्वेंटली द GDP शेयर ऑफ द टर्शरी सेक्टर हैज ग्रोन फ्रॉम अराउंड 40% इन 1973 टू मोर देन 50% इन 2003। उसी के कारण से क्या हुआ है कि जैसे मालूम होगा कि जो हमारे यहाँ जितने भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, उनका बहुत बड़ा हिस्सा विदेशों से पैसा आता है, उसमें वो लोग एक्सपोर्ट करते हैं और इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, जिसके कारण इंडियन इकोनॉमी में 1973 में इनका जो परसेंटेज था 40% था, लेकिन ये 2003 में 50% हो गया और आज के डेट में और ज़्यादा आगे बढ़ गया है। अब चलिए इसको पॉइंट वाइज हम लोग लिखते हैं। इसमें का पहला पॉइंट है बेसिक सर्विसेज। सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी आर इन दिस ग्रुप। देखिए, जितने भी बेसिक सर्विसेज आते हैं ना, जैसे कि आप स्कूल जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं या कोचिंग करते हैं या इवन यूट्यूब पे भी आप वीडियो देखते हैं, पोस्ट और टेलीग्राफ के सर्विसेज लेते हैं, जो ट्रांसपोर्टेशन का सेक्टर है, बैंक्स है, इंश्योरेंस कंपनियां हैं, ये सभी के सभी इस ग्रुप में आते हैं, टर्शरी सेक्टर में आते हैं। चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। सेकेंड पॉइंट है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। देखिए, टर्शरी सेक्टर जो बेस्ड होता है किसी भी कंट्री में प्राइमरी सेक्टर के ऊपर और सेकेंडरी सेक्टर के ऊपर। द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लोड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। मान लीजिए एग्रीकल्चर डेवलप करेगा तो मशीनों का ज़्यादा यूज होगा, पेस्टिसाइड फर्टिलाइजर का ज़्यादा यूज होगा, जो ऑटोमेटिकली टर्शरी सेक्टर को हेल्प करेगा। इंडस्ट्री अगर ग्रो करता है, डेवलप करता है, तो उसमें ज़्यादा डॉक्टर चाहिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, है ना, CA चाहिए, हर प्रकार की सर्विसेज का डिमांड बढ़ता है। तो जो पिछले दशकों में जो इंडिया का ग्रोथ अच्छा खासा हुआ है, जिसके कारण जो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ने ग्रो किया है, उसने ऑटोमेटिकली क्या किया है, टर्शरी सेक्टर को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। राइज इन इनकम लेवल्स। एज इनकम लेवल्स राइज, सर्टेन सेक्शंस ऑफ पीपल स्टार्ट डिमांडिंग मेनी मोर सर्विसेज लाइक ईटिंग आउट, टूरिज्म, शॉपिंग, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट स्कूल्स एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स। आप देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों में क्या हुआ है, पिछले 2 दशकों में, कि हमारे यहाँ इंडिया में इनकम लेवल, लोगों का जो इनकम है बढ़ते जा रहा है, जिसके कारण लोगों में अब जो कंज्यूमर डिमांड हो चेंज होते जा रहे हैं। पहले जो जो चीज़ एसेंशियल गुड्स में आते थे, अब वो लग्जरी गुड की तरफ डिवाइड हो रहे हैं। अब लोगों ने क्या कर दिया है, बाहर खाना, ईटिंग आउट शुरू कर दिया है, टूरिज्म पे उनका इंटरेस्ट जा रहा है, शॉपिंग शुरू किया है, अब लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर अब स्टार्ट हो चुके हैं। चलिए इसके 4th नंबर पॉइंट पे आते हैं। 4th नंबर पॉइंट है राइज इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि ओवर द पास्ट डिकेड सर्विसेज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बिकम इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल। आज आप कहीं पे भी देखिए, चाहे आप आधार कार्ड बनाएं, चाहे बैंकिंग सर्विस करें, ईमेल करें, यूट्यूब देखें, सब में किसका इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। आज इंडिया में ऑलमोस्ट Jio के आने के बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है गाँव गाँव घर घर तक पहुँच चुका है। तो पिछले दशक में क्या हुआ है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो सारे सेक्टर में, बैंकिंग से लेके, एजुकेशन से लेके, हॉस्पिटल से लेके, सारे सेक्टर में बहुत इंपॉर्टेंट और एसेंशियल हो चुका है। चलिए अब इसके लास्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट है ग्लोबलाइजेशन। ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन पीपल हैव बिकम अवेयर ऑफ न्यू सर्विसेज एंड एक्टिविटीज एंड कम्युनिकेशन बिकॉज
आप हुई इज द टर्शरी सेक्टर हैज गेन इंपॉर्टेंस, कि ग्लोबलाइजेशन के कारण आज दुनिया एक गांव बन चुका है, जिसके कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा नई सर्विसेज और एक्टिविटीज़ के बारे में जानकारी हो चुकी है, उनको मालूम है कि किस देश में क्या हो रहा है, जैसे अभी कोरोना बीमारी कहाँ पर फैल रहा है, क्योंकि कम्युनिकेशन के कारण क्या हो रहा है कि टर्शरी सेक्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस बना चुका है आज के डेट में, क्योंकि लोग अब बहुत ही ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं और अलग अलग देशों के बारे में जान सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं, वहाँ पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्टिविटी और टूरिज्म वगैरह में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली उससे क्या है जो टर्शरी सेक्टर है उसको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिला है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से जो क्वेश्चन 5 मार्क्स का है काफ़ी डिटेल में आपको समझ में आ गया होगा, इसमें मैंने हैंड राइटिंग को भी काफ़ी अच्छे से लिखा है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, और वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।